नमस्कार, जरा हट के हिंदी में आप सभी के एक बार फिर से स्वागत है। आइए जान लेते हैं 8 अगस्त का पंचांग। आज हम जानेंगे आज का शुभ मुहूर्त, आज का राहु काल का समय और आज आपको कौन से समय में शुभ कार्य करने चाहिए। आपके लिए आज का दिन शुभ हो अगर आप 8 अगस्त 2019 को कोई भी शुभ कार्य करने की सोच रहे हैं। अगर आज के दिन यानी 8 अगस्त 2019 को आपको कुछ वाहन लेना हो, कार लेनी हो, स्कूटर लेना हो या कोई दुकान का मुहूर्त करना हो या गृह प्रवेश करना हो या कहीं यात्रा करनी हो या कोई और मांगलिक कार्य करने की यदि आप सोच रहे हैं तो ध्यान रखें, शुभ दिन और शुभ मुहूर्त की बेला में किया गया कार्य ही सफल होता है। आज का पंचांग आज हम आपको हिंदू कैलेंडर के अनुसार बता रहे हैं। आज आप अभिजीत मुहूर्त को देखकर ही अपने सभी शुभ कार्य करें। सर्वार्थ सिद्धि योग में भी कोई भी कार्य आप करते हैं तो बहुत ही शुभ होता है, इसलिए आप हर एक महीने का सर्वार्थ सिद्धि योग देखकर अपने कार्य को करना चाहिए, जिससे आपको सुख शांति और सफलता प्राप्त होगी। तो आइए जान लेते हैं 8 अगस्त दिन गुरुवार का पंचांग। गुरुवार का दिन है, सावन का महीना चल रहा है और तिथि अष्टमी तिथि है जो 10:32 तक है। पक्ष शुक्ल पक्ष है, करण भव करण 10:32 तक, उसके बाद बालव करण जो रात 10:12 तक है। नक्षत्र विशाखा नक्षत्र है जो रात 9:28 तक है। आइए अब जान लेते हैं आज का सूर्योदय सूर्यास्त। आज सूर्योदय सुबह 5:46 पर होगा और सूर्यास्त शाम 7:07 पर होगा। सूर्य राशि कर्क और चंद्र राशि तुला राशि। आइए अब जानते हैं आज का अभिजीत मुहूर्त और अमृत काल का समय। ये बेहद शुभ मुहूर्त होते हैं, आप इस मुहूर्त में अपने सभी शुभ कार्य जरूर करें। आज का अभिजीत मुहूर्त 11:59 से दोपहर के 12:53 तक और आज का अमृत काल है दोपहर के 12:43 से दोपहर के 2:19 तक। तो दोस्तों, इन्हीं शुभ समय में अपने सभी शुभ कार्यों को करना चाहिए। आइए अब जान लेते हैं आज का अशुभ समय, आज का राहु काल का समय। आज राहु काल दोपहर 2:06 से लेकर दोपहर के 3:46 तक रहेगा। इस दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। आज का जान लेते हैं व्रत और त्योहार। आज मासिक दुर्गा अष्टमी है, आज आप दुर्गा की पूजा जरूर करें। तो ये था 8 अगस्त का पंचांग। यदि आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको अधिक से अधिक लाइक और शेयर करना ना भूलें और इसी प्रकार के वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।